भजन संध्या के हमारे वृंदावन के सम्राट ही हैं ये। जगत जगह निकुंज में प्रिया प्रीतम की लीला का गान करके वृंदावन में अपने भी आनंद सन सुखाए और दूसरे को सुख देते हैं। ऐसे मधुकर जी नाम ही मधुकर ही है। अधरंग मधुरंग बजरंग मधुरंग मधुराधिपते अखिलम मधुरम इनका ऐसा नाम। और हमारे संत महात्मा हमारे परम रसिक हैं, हमारे पुराने मित्र के हैं, साथी भी थे, चेतन कुटी में बहुत दिन रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम जी। बहुत रसिक कथा सुनाते हैं वो पुरुषोत्तम जी महाराज, सभी विद्वजन। वृंदावन धाम जो है आप सब जानते हैं, जब बड़ा भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे उस समय ने वृंदावन ऊपर दिखाई दिया। पृथ्वी माता ने पूछी, मैं तो समुद्र से आपको निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर हरा भरा जगह जो दिखाई देता है क्या है? कि वृंदावन है। वृंदावन प्रलय में भी नष्ट, पृथ्वी नष्ट हो जाए लेकिन वृंदावन का नष्ट नहीं होता है। ये हमारे निजम है। जैसे अभी इस ग्रंथ में हर एक ग्रंथों का उद्देश्य होता है। जैसे हमारे प्रणव जो है, प्रणव वेद मंत्र है, वेद जितने वेद हैं चारों वेद इस प्रणव से उत्पन्न हुआ है। उपनिषद वेद उपनिषद जितना है इसी प्रणव ओंकार जो प्रणव है उसी का विराट वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित हो रहा है। उसी का फल जो है, इस विराट फल का फल जो फूल जो है गीता है। और फल के रूप में श्रीमद् भागवत निगम कल्प गल्तम फलम, फल रूप में भागवत है। उस भागवत का सार जो है, प्राण जो है, पांच अध्याय राजपंच अध्याय प्राण कहा गया है, सब जानते हैं। उसमें जो गोपी गीत है वो आत्मा कहा गया है। आत्मा में भी प्रिया प्रीतम, वैसे भागवत में हमारे प्यार जी का ना, लेकिन शुरू में देखें जब ठाकुर जी कहते हैं मैं पृथ्वी अवतार लूँगा और कार्य के लिए प्रिया आर्थम, प्रिया जी के प्रसन्नता के लिए, प्रिया जी को लीला करके उनके प्रसन्न करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भागवत के जो शुरू में आए हैं ये माया से कहते हैं आप जाओ पृथ्वी जाओ, उसके पहले श्लोक में है प्रियार्थम। राधा नूनम और कई जगह आया है, राधा के सुख से प्रकट क्यों नहीं आके जान सार को सार, परमधन राधा नाम आधार। इस ग्रंथ का जो उद्देश्य है, जैसे रामायण का महावाक्य समझे, राम जी है महावाक्य, उसमें आदि से अंत तक राम जी का महिमा लीला गुणगान किया गया है। महाभारत का महावाक्य है, पांडव और कौरव का है, इनका प्रसंग महावाक्य। लेकिन एक विषय होता है, ये संक्षिप्त है अंतर, लेकिन एक ऐसा महावाक्य होता है जिसमें सभी समाये होते हैं, प्राकृतिक अप्राकृतिक जो सब में समाया रहता है वह महावाक्य कहा जाता है। एक देशिक महावाक्य नहीं होता है। इसे वेदों का महावाक्य ओंकार प्रणव है, उसे वृंदावन धाम का महावाक्य से प्रियाप्रियतम है। इनका बीज जो है क्लिंग है, जिस क्लिंग को जप करके ऋषि मुनि ने प्रियाप्रीतम लीला का और राधा जी का सिंह मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं बोला जी, केवल बीज मंत्र है क्लिंग और सिंह, इसको जप करके प्रियाप्रीतम लीला का अनुभव हमारे आचार्यों ने किया कर रहे हैं। उन्हीं क्लिंग मंत्र को जाप करके सखी भाव में जो गुरु जी जो सखी भाव देते हैं, मंजरी भाव देते हैं, जो गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है मंजरी भाव से वृंदावन में वास किया जाता है। वैसे तो हमारी वृंदावन दिव्य भूमि है, यहाँ जो प्रयागराज भी यहाँ आकर के लुंठित होते हैं इस रज में, इसलिए रज के लिए कहा है धूर नहीं, ये धूर नहीं यह मंत्र मुकुटमणि, बस कर श्यामा श्याम और धाम सब कर्म धर्म के, मेरो ब्रज है रंगीलो धाम। ये वृंदावन कथा आप लोग सुनेंगे, सभी तीर्थों ने दिया कर्ज, लेकिन वृंदावन ठाकुर जी से कहे आपका वृंदावन कर्ज नहीं देता है, टैक्स नहीं देता। उन्होंने कहा मैं तुमको राजा बनाया हूँ, सब
तीर्थों का अपने घर का राजा नहीं बनाया, अरे तुम्हारा पद से मुक्त करता हूँ, तो शरण पड़ा क्षमा मांगा। तो वृंदावन अब हम कहते भी हैं, काहू के बल भजनते, काहू के आचार व्यास भरोसे कुमार के सुबत पहुँचा। इस भूमि में जैसे भी रहे, जित बैठला देते, जब इस कथा में आया है पुरुष आचार्यों का बंधन किया गया है, आचार्यों ग्रंथ के आचार्य गुरु बंधन किया गया प्रथम में। जब तक गुरु बंधन नहीं किया जाता वो पूर्ण नहीं होता ग्रंथ, इसलिए आचार्य इस ग्रंथ में मैंने देखा पर गुरु बंधन किया गया है। इस शतक में गुरु बंधन किया कि गुरु मेरी भावनिधि तरह न कोई जो बिरंश शंकर सुनोई। इसे सती पार्वती भी कहते तजो न नारद कर उपदेशु आप कहे सत बार महेशु, सौ बार भी महेश कर दे तो अपने गुरु नारद के वचन को। इसलिए पहले गुरु का बंधन किया गया, अपना इष्ट जो है प्रियापद उसका बंधन, वृंदावन भूमि जो है इस भूमि का बंधन किया है, इस पूरे लीला में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, प्रिया पित्र महिमा का। इन आप लोग आए हैं इन वृंदावन धाम में, इस रज में लुंठित होकर के जो रज का आनंद लेते हैं, प्रिया पित्र आनंद लेते हैं, गुरु मंजरी के द्वारा सखी मंजरी के द्वारा गुरु देते हैं, जो रूप देते हैं उसका रूप भी होता है, कोई 12 वर्ष का होता है, 5 दिन 13 वर्ष का, प्रिया प्रीतम की उम्र से जो मंजरी भाव दिया गुरु जी को सखी प्रिया प्रीतम से नीचे उम्र का उम्र दिया जाता है, उनको सेवा दिया जाता है प्रिया प्रीतम का, किसकी अंगराज की सेवा है, किसी के चंदन की सेवा है, किसी की माला। इसलिए जब तक हम इस संसार में रहेंगे फूल की माला की सेवा दिए तो ये थोड़े हैं हम बाजार से ले आए फूल, हम मानसिक भावना बैठे उसमें अनुभव करें, जाकर बगीचे में डलिया लेते हैं, बगीचे में जाने में समय लगता है, बगीचे में जाया जाता है, पुरुषोत्तम बाबा बताएंगे सब क्या लीला कैसे अनुभव, बगीचे में लाया जाता है, बाकी एक एक फूल प्रिया प्रीतम नाम लेके उतारा जाता है, फिर लाता है उसको गूथा जाता है, फिर समय लगता है, कैसे फूल लाने में समय लगता है, गूथने में समय लगता है, और प्रिया सखी के अनुगत होकर गुरु मंदिर के अनुगत के आचार्य के अनुगत प्रिया प्रीतम को समर्पण, प्रिया और आचार्य उसको पहनाते, ये भाव गुरु के द्वारा मिलता है। इस भाव को कर अवश्य जब माला की सेवा दिए बाजार से माला प्रिया प्रीतम पर, ऐसे नहीं होता सेवा, जो माला फूल गूंथने में लाने में जाने में लाने में गूंथने में जितना समय उतना मानसिक सेवा में, यही भाव है। आप लोग मानसिक सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। मंजाब में मधुकर जी से शुभकामना, इनके जितने पढ़कर इनको शुभकामना, प्रिया प्रीतम रति हो मति हो गति हो, शुभकामना के साथ जय श्री हरिवंश।